बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक कंपैरिजन वीडियो, जो कि मेरे ख्याल में इस टाइम बनाना बहुत ज़रूरी थी। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में इस टाइम एमजी एचएस और किया स्पोर्टेज की काफ़ी धूम मची हुई है, काफ़ी इनकी गॉसिप्स चल रही हैं और लोग पूछना भी चाह रहे थे कि इन दोनों में इतना मेन डिफरेंस क्या है। अब इनमें जो मेन डिफरेंस है, हम लोग इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे इसके जो फीचर्स हैं उस पे हम लोग नहीं जाएंगे, इसके जो मेन की फीचर्स हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाह रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा, बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन की। तो जो कि MGHS है वो है 1500 cc इंजन, टर्बो चार्ज, विच प्रोड्यूसेस 160 हॉर्स पावर। और अगर हम बात करें किया स्पोर्टेज की तो वो है 2000 cc, विच प्रोड्यूसेस 155 हॉर्स पावर। अच्छा, अगर आप इंजन को देखें तो इंजन में आपको लगेगा कि किया स्पोर्टेज का इंजन ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो MGHS का है वो है तो 1500 cc, लेकिन वो टर्बो चार्ज है और वो उसकी जो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 160 है और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क वो जनरेट करता है। और अगर किया स्पोर्टेज की बात करें तो वो आपको 155 हॉर्स पावर जनरेट करता है और 196 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है वो। अच्छा, एक और मेन जो डिफरेंस है इन दोनों में वो है ये है कि जो MGHS है उसमें आपको मिलता है अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, और जो किया स्पोर्टेज है उसमें आपको मिलता है स्पीड लिमिटर क्रूज कंट्रोल। अब अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या होता है? अगर आपने स्पीड सेट की हुई है 65 पे, सामने आपकी गाड़ी आ जाती है जो कि जा रही है 50 की स्पीड पे, तो गाड़ी का जो अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली गाड़ी को लेगा 50 पे, और जब वो गाड़ी आगे से हट जाएगी या आप उसको ओवरटेक कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को 65 पे ले जाएगी जहाँ पे आपने उसको सेट किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट फीचर ये था MGHS में कि आपको इसमें मिलता है 360 व्यू कैमरा। आपको आपकी गाड़ी, आप गाड़ी के अंदर बैठ के अपने चारों तरफ से गाड़ी को व्यू कर सकते हैं कि उसके चारों तरफ कहाँ पे कोई भी चीज़ है, कोई गाड़ी खड़ी हुई है और ये है या नहीं है। अगर आप किया स्पोर्टेज की बात करें तो उसमें आपको सिंपल फ्रंट एंड रियर कैमरा मिलेगा, उसमें 360 व्यू नहीं मिलेगा आपको। MGHS में आपको मिलेंगी हीटेड और इलेक्ट्रिक सीट्स, लेकिन जो किया स्पोर्टेज है उसमें ओनली इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, हीटेड सीट्स नहीं है उसमें। अच्छा, आपको जो MGHS है वो प्रोवाइड कर रहा है 6 एयरबैग्स, और अगर आप किया स्पोर्टेज की बात करें तो वो किया स्पोर्टेज आपको प्रोवाइड कर रहा है 2 एयरबैग्स। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है एंटी कोलिजन सिस्टम। MGHS में अवेलेबल है कोलिजन वार्निंग विद ब्रेक सपोर्ट, और किया स्पोर्टेज में ये अवेलेबल नहीं है। एंटी कोलिजन सिस्टम ये है कि आपको अगर आप किसी भी रोड पे जा रहे हैं और आपकी स्पीड इस तरह की है कि नेक्स्ट जो गाड़ी है उसमें स्पीड उसकी कम है और आप ज़्यादा स्पीड पे हैं, तो वो आपको अलार्म करेगा कि बताएगा कि इसकी अपनी अपनी गाड़ी की स्पीड आप इस हिसाब से कम करें। अच्छा, MGHS में आपको मिलते हैं इंटीरियर के 3 डिफरेंट कलर्स, और जो किया स्पोर्टेज है उसमें आपको सिर्फ एक कलर अवेलेबल है इंटीरियर का। अच्छा, नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो है जो MGHS में अवेलेबल है वो है लेन असिस्ट ऑप्शन, जो कि किया स्पोर्टेज में अवेलेबल नहीं है। अब लेन असिस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप फर्ज करें मोटरवे पे जा रहे हैं और आपकी रात के टाइम अक्सर जैसे आपको नींद आ जाती है या किसी और वजह से आप मोबाइल पे हैं और आपकी जो गाड़ी है वो लेन से बाहर जा रही है राइट या लेफ्ट पे, तो ये आपको अलार्म देता है और इसका स्टेयरिंग पे भी कंट्रोल होता है, ये आपको लेन में भी रखने में हेल्प करता है। और ये मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त इसका फीचर है MGHS में जो अवेलेबल है। MGHS में आपको मिलते हैं पैडल शिफ्टर, और जो जिससे आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं गियर्स, ये अवेलेबल नहीं है किया स्पोर्टेज में। अच्छा, अगर आप बैक सीट्स की बात करें तो बैक सीट्स में लेग स्पेस ज़्यादा है MGHS में, और इसी तरह लेग स्पेस बैक सीट्स की कम है किया स्पोर्टेज में एज़ कम्पेयर टू MGHS। अच्छा, हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। जो LCD इसमें यूज़ की गई है उसका इंटरफेस बहुत कलरफुल है, काफ़ी सारे उसमें फीचर्स आते हैं MGHS में, और जो किया स्पोर्टेज है किया स्पोर्टेज में LCD नॉर्मल है जिसमें नॉर्मल फंक्शन उसमें दिए गए हैं।
अच्छा, अगर ट्रंक स्पेस की बात करें तो MGHS में ट्रंक स्पेस कम है, 450 लीटर ट्रंक स्पेस है, और अगर आप बात करें किया स्पोर्टेज की तो उसकी ट्रंक स्पेस ज़्यादा है, 491 लीटर उसका ट्रंक स्पेस है। पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल है MGHS में, किया स्पोर्टेज में पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए, ओनली रियर कैम दिया गया। नेक्स्ट डिफरेंस आता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का, MGHS में ये अवेलेबल है और किया स्पोर्टेज में ये अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये थी डिटेल दोनों गाड़ियों की। अब मेरे ख्याल में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत इजी होगा चूज़ करना कि दोनों में से कौन सी गाड़ी चूज़ की जाए। तमाम फीचर्स बड़ी डिटेल में इसमें डिस्कस किए गए हैं।